जैसे कि वर्ग समीकरण आपको दी गई है, ये वर्ग समीकरण आपको दे दी, मान लो कि ये वर्ग समीकरण है आपकी ये वर्ग समीकरण है आपकी, है ना। अब इस वर्ग समीकरण को हल करना है गुणनखंड विधि या मध्य पद को दो भागों में बांटने की विधि भी इसे कहा जाता है, उस विधि की मदद से आपको इसे हल करना है। तो आप कैसे हल करेंगे? कृष्णा लाइट चालू करना बेटा इधर की। 3x² - 5x - 8 = 0, ये आपका सवाल है। अब इस सवाल को आप हल करेंगे तो आप कैसे हल करेंगे? एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 3 है, 3 का गुणा 8 में करेंगे तो 3 का गुणा 8 में करेंगे, 8 * 3 = 24। गुणा करने पे कितना आना चाहिए? 24। गुणा करने पे 24 है ना, और घटाने पे क्या आना चाहिए? ऋण के 5 या 5 समझो, चलो घटाने पे 5 आना चाहिए। अब ऋण के बचेंगे कब? जब ऋण की संख्या बढ़ी लेंगे तब 24। तो जैसे कि मान लो मैंने लिया ऋण का 8 ले लिया और 3 ले लिया, तो 8 * 3 = 24, मगर एक प्लस की और एक माइनस की है ना, तो 8 * 3 = 24 तो आएंगे मगर माइनस क्या आएंगे, क्योंकि एक प्लस की और एक माइनस की है। एक संख्या आपकी प्लस की और एक माइनस की, तो 8 * 3 = 24 मगर माइनस के, है ना। अब बड़ी में छोटी को जोड़ दो आप, -8 में 3 जोड़ दो तो कितने बचेंगे? -5, है ना, -5 बचेंगे, और -5 ही हमें बचना चाहिए। तो हमारा ये दो संख्या, इस प्रकार मध्य पद को हमने दो भागों में पकड़ लिया कि कौन कौन से दो भाग हमारे होंगे। तो ऋण के 8x धन के 3x और ऋण के 8 = 0। यहां से आपने दो दो के ग्रुप करें, x इसमें भी है और x इसमें भी कॉमन है, आपने x को बाहर ले लिया तो 3 अंदर रह गया। x दो बार है, एक बार बाहर आ गया, एक बार रह गया, अभी यहाँ 8 रह गया। और ये वाला जो x था, है ना, ये दिख रहा है आपको, ये x है, ये वाला x पहले बाहर आ गया, कॉमन आ गया, क्योंकि ये दोनों में से आया है। ये जो x आया है ना, ये इसका भी और इसका भी कॉमन है। अब इधर इनमें क्या कॉमन है? एक के पाड़े में 3 आते हैं, 1 * 3 = 3, 1 * 8 आ जाए, 1 * 8 = 0। अब ये सेम फैक्टर है, ये गुणनखंड दोनों में सेम है, तो सेम गुणनखंड कॉमन आ गया, यहाँ x + 1 आ गया = 0। तो इस तरीके से 3x - 8 = 0 एंड x + 1 = 0। तो यहाँ से हो जाएगा 3x = 8, उधर गए तो 8 तो x = कितना हो जाएंगे? 8/3, और इधर क्या हो जाएगा? 1 उधर गया, 1। इस तरीके से आपके हल हुए 8/3 और 1 8/3 और 1, आपके ये दो हल प्राप्त हुए, ठीक है ना। चलिए, अगर इसी सवाल में वो इसको प्लस का कर दे, चलो तो आपको क्या करना है फिर इस सवाल में? फिर आपको चेंज हो जाएगा, ये प्लस की संख्या हो जाएगी और ये 3 माइनस के हो जाएंगे। अब ये 3 माइनस के हो जाएंगे, अब यहां पर आप -1 कॉमन लेंगे आप, ये प्लस और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस और यहां माइनस आ जाएगा आपका, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ऋण का हो जाएगा, ये ऋण का हो जाएगा, और ये माइनस का है, ये माइनस का 1 उधर जाएगा, तो प्लस का 1, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ये थोड़ा सा आपको उस समय फिर जब आप हल करेंगे तो आपको ये प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए आपका ये सॉल्यूशन प्राप्त होगा।